तालझारी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी मुख्यालय डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जमनी फाटक के पास अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। इस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए गश्ती दल के पदाधिकारी उमेश चंद्र महतो सशस्त्र बल के साथ अविलंब जमीन फाटक पहुंचे। पुलिस गाड़ी को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे संदेह के आधार पर गश्ती दल के द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सिकंदर राय, पता हाथीगढ़ थाना तालझारी बताया। विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा एवं दो खोखा बरामद हुए हैं। 2023 को संध्या 6:30 बजे थाना प्रभारी तालझारी को गुप्त सूचना मिली कि जमनी फाटक के पास एक आदमी हथियार के साथ घूम रहा है। ऐसी सूचना पर गश्ती दल में तैनात उमेश चंद्र महतो को उनके द्वारा मोबाइल पर सूचना दिया गया और उमेश चंद्र महतो द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जमनी फाटक पर पहुँच कर पहुँचते ही एक आदमी भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस दल द्वारा दौड़ाकर पीछा करके पकड़ा गया। उस आदमी के नाम पता पूछने पर अपना नाम सिकंदर राय बताया गया और उसकी नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और दो खोखा बरामद किया गया और उसे पकड़ करके जब्ती सूची तैयार किया गया और थाना लाया गया। इस संबंध में तालझारी थाना कांड संख्या। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।